आयोजित होने जा रहे इंडियन सर्कल ऑफ मॉम्स ग्रुप की तरफ से आज होटल अवाना में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसकी निर्देशिका नेहा शर्मा और अंशु शर्मा ने बताया कि एग्जीबिशन का उद्घाटन राजकुमारी दिया, सांसद व राखी राठौर द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ग्रुप से 13,000 लेडीज जुड़ी हुई हैं। इंडियन सर्कल ऑफ मॉम्स व वुमन पावर महिलाओं के सशक्तिकरण व गर्ल्स एजुकेशन और गो ग्रीन के लिए कार्यरत है। एग्जीबिशन में मुख्य आकर्षण महिलाओं के लिए आयोजित राखी प्रतियोगिता, मेकअप वर्कशॉप, संस्कार सेशन, मोटिवेशन सेशन, नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रदर्शन, चित्रकारी आदि थीम्स रहेंगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती स्वीटी सोनी, मीना जैन, नीतू जैन, रजनी कटारिया, रिंकी विजय, सांस्कृतिक मंत्री पवन टांक, मेंटर श्रीमती कमला पौधान मौजूद रहे। एग्जीबिशन आयोजित की जा रही है जो कि अंशु शर्मा जी और नेहा शर्मा जी कर रहे हैं। इनका एक बहुत अच्छा प्रयास है, ये नारी सशक्तिकरण से इन्होंने इसको जोड़ा है। घर में जो लेडीज़ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाती हैं, राखी बनाती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये एग्जीबिशन लगाई जा रही है, जिसमें कि ये 50% ऑफ में फूड आइटम्स हैं या जो भी हैंडमेड आइटम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कपड़े हैं, वो सब 50% ऑफ में ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये एक बहुत ही अनूठा प्रयास है इनका, जिससे कि कई लेडीज़ होती हैं जो अपने घर में काम हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हैं, राखियां बनाती हैं, बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो उसको कहाँ ले जा कर के सेल करें। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है और इससे जुड़ कर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो ये वाकई में इनकी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे लोगों की पहचान मिली है, इंडियन सर्कल ऑफ मॉम्स में इसने मुझे पहचान दी है। और आज मैं एक साल से मेरा फ्लेवर्स ऑफ होम बाय नीना गुप्ता जो है ऑल ओवर जयपुर में फेमस है, इवन आउट ऑफ जयपुर भी फेमस है। और मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडियन सर्कल ऑफ मॉम्स। अभी मैं रेडियो पे भी मेरा 90.7 पे इंटरव्यू हुआ तो मैंने उनको यही बोला, अंशु, आई एम वेरी थैंकफुल टू अंशु एंड नेहा एंड मीनाक्षी हु गेव मी दिस प्लेटफॉर्म एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। वेन एवर आई रिसीव ए कॉल फ्रॉम अ पर्सन हु गेव मी अ ऑर्डर, मैं फूड सप्लाई करती हूँ, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, स्नैक्स एंड केक्स एंड एवरीथिंग। हेलो आंटी, वी आर कॉलिंग फ्रॉम इंडियन सर्कल ऑफ मॉम्स, वी आई वॉन्ट टू गिव यू 20 पीपल्स ऑर्डर, 30 पीपल्स ऑर्डर। आई एम रियली वेरी 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 थैंकफुल टू इंडियन सर्कल ऑफ मॉम्स। हमारे घर में एक मेड है, एक बच्चे को संभाल रही है, बच्चा 3 घंटे के लिए स्कूल गया, तो 3 घंटे उसके पास कोई काम नहीं है, तो जैसे मैं उसको स्टोल दे देती हूँ, उसकी स्ट्रिंग्स दे देती हूँ, तो बैठ के बनाती रहती, तो तुझे इतने एक्स्ट्रा पैसे और मिल जाएंगे। तो इसी तरह से सब कोई कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीज करते हैं कि ऐसे शरीर लगाना, हाथ से टाँकना, सिलाई बुनाई सबको आती है। तो हैंडमेड से पर्पस यही है कि इसमें इसी तरह की राखियाँ हैं, आप घर में बैठ के राखी भी बना लो, खाने की चीज भी आप बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सब लोग कहते हैं, जैसे हम कुछ मोटिवेशन सेमिनार में जाते हैं, आई एम ए मोटिवेशन स्पीकर टू, तो जाते हैं तो वहाँ कहते हैं हाँ जी मोटिवेट हो गए, हमने आधा घंटा सुन लिया, उस वक्त हमारी बॉडी में पूरा ब्लड ग्लाइस क्विकली दौड़ लग जाता है, यस वी आर मोटिवेटेड। लेकिन जैसे हम घर आते हैं, जैसे कुछ समय बाद, एक दिन, दो दिन, चार दिन बाद, हम वापस उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। तो मैंने इसके स्टेप्स बनाए हैं, कुछ टूल्स हैं, स्पेशली 3 टूल्स आर देयर, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। अब उन टूल्स के साथ हम किस तरह से काम करेंगे, अगर फाइनेंशियली है तो हम फाइनेंशियली कौन सा वे अपनाएं ताकि हम मोटिवेट रहें हमेशा के लिए, हम फिजिकली कौन सा वे अपनाएं, हमारी हेल्थ पे ध्यान दें, किस तरह से ध्यान दें, मेंटली क्या ऐसा करें जिस वजह से कि हम उन टूल्स को रेगुलरली, उन टूल्स के साथ मैं 30 दिन का एक टाइम देती हूँ, 1 महीने का, कि प्लीज फॉलो माई सजेशंस, एडवाइस, ये 3 टूल्स पे प्लीज ध्यान दीजिए, ताकि आपको 1 महीने बाद पता चलेगा कि हाँ कितना चेंज हुए हैं। बचपन से यदि हम संस्कार दें कि एक पेंसिल जिस दिन बच्चा चोरी करके स्कूल से लाता है, उसी दिन यदि उसको थप्पड़ लगाया जाए तो बड़ा चोर नहीं बनेगा। हम कहते क्या एक पेंसिल ही तो ले आया, एक रबड़ ही तो ले आया, नहीं, वो बच्चे के लिए वो पेंसिल और रबड़, उस दिन पेंसिल रबड़ है, बड़े होके बड़ी बड़ी नींद है। आज रेप के केस की या बात बोलो, तो हम बेटे को बचपन से संस्कार सिखाए ना कि तुम्हें किसी की तरफ नजर नहीं उठानी है,
लड़कियां छोटे कपड़े पहनती इसलिए रेप नहीं होता, छोटे कपड़े माँ पहन के आ जाएगी तो रेप कर लेंगे आप उसका, ऐसा नहीं होता। मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस साल से, मैं इस संस्था से कम पिछले एक साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है इसके साथ काम करने में, मतलब घर से भी और बाहर से दोनों से। कोई भी महिलाएं जुड़ना चाहती है तो प्रोसेस क्या है इसके लिए? हम लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं आप, और या फिर एग्जीबिशन में आके आफ्टर 3 PM हम लोग का हेल्प डेस्क पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकते हैं एंड आप मेंबर बन सकते हैं। अभी हमने केवल फर्स्ट 21 लेडीज़ के लिए मेंबरशिप ओपन किया है फॉर आर नेक्स्ट इवेंट, और इस ऑर्गेनाइजेशन से 13,000 लेडीज़ जुड़ी हुई हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से 10,000 अराउंड जयपुर से ही हैं, एंड काफ़ी लेडीज़ हमारे ग्रुप के थ्रू ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। उन्हीं को अब हम मार्केट लाइक जयपुर का मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है, जिसमें बहुत नॉमिनल चार्जेस है, 1,000 rupees में टेबल्स दिया है उनको। एजुकेशन ही संस्कार, हमारे समय में कोई फिनिशिंग स्कूल नहीं होते थे, हमारे घर में संस्कार नहीं थे। आज बोलते हैं कि लड़कियों को अधिकार मिल जाए माँ बाप को रखने का तो वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे, तो वही लड़कियां ससुराल जाके अपने सास ससुर को क्यों नहीं ठीक से रखती, वृद्धाश्रम अपने आप खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को मॉरली रिस्पॉन्सिबल समझ के अपनी वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो ये है, आप नहीं सुधार सकते, मैं भी नहीं सुधार सकती, ये भी नहीं सुधार सकते। हम सिर्फ अपने बच्चे को संस्कार दे सकते हैं, वो क्या बनेगा? 4 बच्चों को संस्कार देते हैं, सेम माँ बाप देते हैं, 2 बच्चा सही निकलता, 1 बच्चा वो निकलता, तो क्या परवरिश नहीं? परवरिश तो चारों की सही हुई है, चारों की सेम माँ बाप ने की है। हम स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास में 60 बच्चों को पढ़ाते हैं, 60 बच्चे अच्छे थोड़े ही निकलते हैं। नारी शक्ति जहाँ भी शुरुआत कर रही है हमें उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं से, हमारा अस्तित्व उन्हीं से, तो हम जब ये संस्कार अपने अंदर ले आएंगे और हम जब संस्कारित हैं तो हम कभी एक बात आई थी कि 4 बच्चे हैं, चारों को पढ़ाया गया, पर चारों को ये भी दिखाया जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं सही हूँ तो मेरे बच्चे भी सही होंगे, मेरा समाज भी सही होगा, मैं क्या उदाहरण पेश कर रहा हूँ। तो मैं हर मंच पर नारी शक्ति का, चाहे मेरा वो डांडिया का हो, चाहे मैं वैशाली नगर व्यापार मंडल से हूँ, वो मंच हो, हर जगह नारी शक्ति का हम सम्मान करते हैं। और जब हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं तो ऐसे आयोजन जब होते हैं, जब महिलाएं अपने घर से बाहर निकल कर कुछ कर रही हैं, घरेलू चाहे उद्योग हो, मैं नेहा जी का और इनके साथ संजीव मैम का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इनको साधुवाद देता हूँ कि नारी शक्ति के आप सपोर्ट में, एक कहावत कही जाती है कि नारी ही नारी की दुश्मन है, आवश्यकता इसी परिपाटी को बदलने की। आज नारी नारी का सपोर्ट कर रही है, चाहे बहुत सारे मंच देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो टैलेंट के मंच हो, आज एक टैलेंट लेकर के आ रहा है, बहुत सारे कहते हैं पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कहा था कि ये क्या होगा कि जगह जगह गलियों में टैलेंट शो है, मैं कहता हूँ अच्छी बात, टैलेंट की कोई कमी थोड़ी, राजस्थान में टैलेंट भरा भरा है, एक कोई प्रतियोगिता होती है वहाँ एक विजेता बन जाता, 2 विजेता, 3 बन जाता, यहाँ हमारे तो भरे पड़े, उनको बाहर लाने की आवश्यकता है। मुझे इस संस्था से जुड़े हुए 1 साल हो गया है और मतलब पहले हमें कोई नहीं जानता था सीरियसली, तो लेकिन इस संस्था के जुड़ने के बाद आज हमें सब जने जानते हैं, इवन जयपुर में और जयपुर के बाहर, और दिस इज़ नॉट ए ग्रुप, ये एक फैमिली बोल सकते हैं आप इसमें, जिसमें किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको सबको इक्वल रखकर आपके साथ सबके साथ इक्वली बिहेवियर किया जाता है और इक्वली आप लोगों को सबको प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करें। इंडियन सर्कल ऑफ मॉम की तरफ से जो राखी हैंडमेड का एग्जीबिशन का इनिशिएटिव है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें जितनी भी महिलाएं हैं वो घर पे अपने हाथ से, चाहे खाने की चीज़ें बनाएं, कपड़े बनाएं, ज्वेलरी बनाएं, हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाएं, कुछ भी चीज़ें जो बनाएगी वहाँ पे एक बहुत ही नॉमिनल अफोर्डेबल रेट पे उपलब्ध होंगी, और उन महिलाओं के कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि उनको है कि वो घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकती हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उनको दिया जा रहा है इंडियन सर्कल ऑफ मॉम की तरफ से, और उन सब में हम उनके साथ में इसके साथ इनके साथ जुड़े हैं इनके अच्छे काम के लिए। और यहाँ पे B2B की बिजनेस की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जब महिलाएँ कुछ अपना डिस्प्ले करती है, जब उनकी बिक्री होती है तो उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो उनको नहीं लगता कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक मंच इनको प्रदान हुआ किया जा रहा है बहुत ही टोकन अमाउंट टेबल का लेके। हमारा जो अपकमिंग एग्जीबिशन है राखी एंड हैंडमेड एग्जीबिशन, इसमें हमारा एंट्री फ्री है,
और अबाउट हमारा 40 स्टॉल्स है इसमें, और जो सब हैंडमेड आइटम्स होंगे, राखी है, डिज़ाइनर वेयर है, पैक्ड फूड है, और कुछ बच्चों की पेंटिंग्स जो कि डेकोरेशन के हिसाब से हम लोगों ने रखी है, और काफ़ी नॉमिनल रेट में है। प्लस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हमेशा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है उसमें, तो वो थ्रू द ईयर उन लोगों को एक मार्केट मिलता रहता है इसमें। और हमारा ग्रुप जो है ये गर्ल्स एजुकेशन के साथ भी जुड़ा हुआ है, हम भी इस तरीके से कॉज के साथ में हम हमेशा ऐड रहते हैं।